रशियन, जर्मन, फ्रेंच हो या फिर इंग्लिश, अगर आपको इन भाषाओं के किसी शब्द या फिर सेंटेंस का मतलब जानना हो तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप गूगल की ट्रांसलेट विंडो खोलते हैं, फिर उस शब्द या सेंटेंस को कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर गूगल ट्रांसलेट पर अपनी भाषा को सिलेक्ट करते हैं, तब जाकर आप उसका मतलब जान पाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप उसी शब्द या सेंटेंस को सिलेक्ट करें और आपको आपकी स्क्रीन पर ही उसका मतलब पता चल जाए और वो भी पलक झपकते ही। चौंकिए मत, एक कमाल की ट्रिक से ये पॉसिबल है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित कुमार कटियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। और आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी ही कमाल की ट्रिक के बारे में जिसका इस्तेमाल आप दुनिया की किसी भी भाषाओं को सीखने और समझने के लिए कर सकते हैं। और ये एक ऐसी ट्रिक है जिसे आप एक मिनट से भी कम समय में अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर एक्टिवेट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं गूगल ट्रांसलेटर एक्सटेंशन की, जिसकी मदद से ये सब पॉसिबल है। अब सवाल ये कि इसे इंस्टॉल कैसे करें, आइए इसको स्टेप बाय स्टेप में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पर जाएं और फिर क्रोम वेब स्टोर पर क्लिक करें। यहाँ सर्च स्टोर में गूगल ट्रांसलेट सर्च करें और उसे ऐड टू क्रोम पर क्लिक करें। अब विंडो के राइट साइड सबसे ऊपर एक्सटेंशन के गूगल ट्रांसलेट पर क्लिक करें। यहाँ अब आपको क्रोम एक्सटेंशन ऑप्शन की विंडो दिखेगी, उसमें आपको दूसरी भाषाओं को समझने के लिए अपनी भाषा को सिलेक्ट करना होगा। उदाहरण के लिए हिंदी को सिलेक्ट करें, उसके बाद आपको इमीडिएटली डिस्प्ले पॉपअप पर क्लिक करके उसे सेव करना होगा। अब आप किसी भी वेबसाइट पर जाके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दुनिया की किसी भी भाषा को समझने के लिए इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये सेटिंग गूगल क्रोम की है, अगर आप मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसी प्रोसेस को पूरा करके इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस याद रहे, मोजिला के लिए आपको क्रोम नहीं बल्कि मोजिला एक्सटेंशन एड ऑन फायरफॉक्स पर जाना होगा, जहां आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगा। मोबाइल यूजर्स कैसे इस्तेमाल करें, अब मोबाइल यूजर्स के लिए एक दिलचस्प ट्रिक बताते हैं। मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट से टेक्स्ट कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर गूगल ट्रांसलेट पर जाकर इमेज अपलोड करनी है। और जिस भाषा में आपको समझना है उसे सिलेक्ट करें। यहाँ आप पाएंगे कि आपको दूसरी भाषा का अनुवाद आपको आपकी भाषा में मिल जाएगा। तो आपको कैसी लगी ये ट्रिक हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही ट्रिकी वीडियो देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।